यीशु नाम की जय हो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम अपने धर्म प्रांत की विशेष वर्ष सुसमाचार घोषणा वर्ष के दूसरा महीना में कदम रख रहे हैं। इस दौरान मैं ईश्वर का वचन सनातन है इस विषय पर थोड़ा सा मनन चिंतन करने आपका स्वागत करता हूँ। नबी इसया के ग्रंथ अध्याय 40 वचन 8 कहते हैं, हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। ईश्वर का वचन जीवन रूपी है, वो हमेशा सक्रिय रहता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल को एक शाब्दिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ है। परमेश्वर का वचन मोक्ष के इतिहास की विशेष संदर्भों में लिखा हुआ और सुनाया गया है। उन वचनों में से आज की संदर्भ में एक अमूल्य संदेश मिलता है और वे भविष्य में भी भिन्न संदेश देंगे, इसलिए वह हमेशा प्रासंगिक और शाश्वत रहता है। सदियों पहले प्रभु के वचन नबियों को अपने दर्शनों में मिले, तो अब हमें वह वचन पढ़ने पर नया दर्शन और दृष्टिकोण मिलेगा। मगर हमें विश्वास का भाव होना है और प्रभु दर्शन पाने की एक तमन्ना भी होना है। पापा बेनेडिक्ट 16वां के सिनेट पश्चात प्रबोधन है वेर्बुम डोमिनी, यानी प्रभु के वचन। उस आलेख में ईश वचन की व्याख्या और उसके सनातन प्रकृति के बारे में पापा हमें बताते हैं। बाइबल के बारे में एक ऐतिहासिक ज्ञान हमें होना है, लेकिन हमें संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 का भूल भी नहीं करना है। वचन कहते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर था। इसलिए हमें यह दृढ़ विश्वास होना है कि वह शब्द रूपी ईश्वर हमारे साथ पवित्र वचन के माध्यम से जीवंत है। पवित्र वचन के भक्तिमय पठन हमें ईश कृपाओं से भर देंगे और सच्चे मंजिल आसमाने में हमें सहायता प्रदान करता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संज्ञा 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। इसलिए हम शिविर केंद्रों में देखते हैं कि वचन की घोषणा के समय भूतग्रस्त लोग चंगा होते हैं और नशीली चीजों की आदत से पीड़ित लोग मुक्त होते हैं और दुष्ट हृदय के लोग निर्मल बन जाते हैं। यह सब ईश्वर के सनातन वचन की शक्ति है। प्रभु के वचन शाश्वत है और वह सर्वशक्ति संपन्न है। संत अगस्तीन के धर्म परिवर्तन पवित्र वचन के पठन द्वारा ही हुआ। उसने अपने भीतर का आवाज सुनी और उठकर पवित्र वचन पढ़ा और उस वचन की शक्ति से वह अपनी पापमय जिंदगी को पूरी तरह से दफना दिया और शब्द रूपी ईश्वर के हित में एक नया जीवन की शुरुआत किया। केरला में जानवरों का एक प्रसिद्ध ट्रेनर या शिक्षक है। वह सभी जंगली, क्रूर और हिंसक पशुओं को मामूली रीति से वश में करते थे और वह बहुत पैसा भी कमाता था। एक दिन उसे अरब देश से एक बड़ा प्रस्ताव आया। उधर का एक शेख के लिए एक टाइगर को ट्रेन करके दिया तो उसे बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन वह एक भयंकर नरभक्षक जानवर था। वह अरब देश गया और अपनी सारी कौशल और तकनीक से टाइगर को वश में लाने की कोशिश किया, लेकिन वह सब असफल रहा। वह हार मानने को तैयार हो गया। तब उसने अपनी माँ को इस बात को बताया और माँ थोड़ा सोचकर उसे पवित्र वचन के माध्यम से उस जानवर को मुकाबला करने के लिए बताई और वह माँ के कथनानुसार टाइगर को वचन सुना सुनाकर उसे वश में ला लिया। यह चमत्कार देखकर उस ट्रेनर का भी जीवन बदल गया और वो भी
अपना जंगली जीवन छोड़कर अपने क्रूर दिल को नरम बनाकर ईश प्रेम का जीवन अपनाया। तो मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ईश वाणी की शक्ति अपार है, पवित्र वचन की शक्ति शाश्वत भी है, और हमारे जीवन दाता वचन रूपी ईश्वर आज हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेंगे, और वह सनातन है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में पवित्र वचन का पठन एक आदत सा बनाएंगे, और सनातन वचन हमें शाश्वत जीवन की ओर ले जाएगा। इस वचन की शक्ति और कृपा हम में और हमारे परिवार में निरंतर बनी रहे। आमीन।